हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब मलिक बताएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और उसके ऊपर आज समाअत हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साजिद फैज ईसा की सरबराही में तीन रुकनी बेंच था जिसने समाअत की थी। आज जो है वो पीटीआई के जो वकील थे हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। जबकि आगाज पॉइंट उठाया गया था वो मोहम्मद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया था कि दो सवाल हैं कि क्या अदालती दायरा इख्तियार था या नहीं था, या और दूसरा जो पॉइंट था इलेक्शन कमीशन के तीसरा पार्टी इलेक्शन की छानबीन का इख्तियार है या नहीं है, जिसके ऊपर जो वकील थे बैरिस्टर अली जफर उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया था कि ना तो आइन और ना ही इलेक्शन एक्ट के में ये है कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा का कोई इजाजत है। तो ये आज बेसिक दलाइल दिए गए थे। दलाइल के अंदर मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात की गई थी। बेसिक उनकी तरफ से बानी जो मेंबर थे अकबर एस बाबर उनके हवाले से भी बात हुई। उनके वकील रोशन कराए थे और उनकी जानिब से ये मौके का इख्तियार किया गया था कि हमें मौका ही फराहम नहीं किया गया क्योंकि हम दफ्तर भी गए थे और कागजात मांगे गए थे लेकिन हमें फराहम नहीं किए गए थे। और जबकि पीटीआई के जो वकील थे अली जफर उनकी तरफ से ये मौके पर तैयार किया गया था कि एक तो अकबर एस बाबर जो है वो मेंबर नहीं है, दूसरा ये कि जो जब वो आए थे उस वक्त टाइम ओवर हो गया था और उनकी जानिब से ये भी तैयार किया गया था कि जो फीस थी 50,000 वो भी उनकी तरफ से नहीं जमा करवाई गई थी। तो इस वजह से उनको इंतखाबात में जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर इजाजत नहीं दी गई थी। इसके साथ साथ समाज के अंदर हमने देखा कि आज जो शिकायत कुनिंदगान थे वो भी अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाई गई थी। नौरीन खान नौरीन फारूक की वो भी आई थी अदालत में और उनकी जानिब से बताया गया कि पीटीआई की मेंबर रही हूँ और इलेक्शन लड़ना चाहती थी लेकिन हमें जो है वो कागजात फराहम नहीं किए गए थे। तो ठीक है, हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद रहेगा। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। फैसला कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की सरबराही में तीन रुकनी बेंच बराह रास्त समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा है। डिटेल्स क्या है ये जान लेते हैं। अदील वड़ाइज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बताएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, समाअत में क्या कुछ हुआ, अपडेट कीजिए। जी, बड़ा क्रिटिकल टाइम था, बड़ा मुश्किल फेज थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये गुज़िश्ता दो रोज से जो क्वेश्चंस थे बड़े अहम सवालात अदालत ने उठाए और उसमें एक बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पे बिल्कुल दौ पे लग चुका है उसका इंतसाबी निशान जब ये ऐसे सवालात हो रहे हैं है कि पिशावर के एक गुमनाम गाँव में ही ये इंतखाब क्यों कराया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई या नहीं दी गई, इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियार के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्ली है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला से क्वेश्चंस हुए, हमने देखा कि बहुत से क्वेश्चंस के जो सवालात में उस तरह प्रिपरेशन नजर नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसकी। तो इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से ये पूछा गया कि वो जो नामजदगी फॉर्म्स हैं ठीक है इलेक्शन अगर जो बिला मुकाबला हो गए लेकिन वो नामजदगी फॉर्म तो जमा हुए होंगे, वो फीसें तो जमा हुई होंगी, कोई नामजदगी फॉर्म वेबसाइट पे पड़ा होगा। अदालत में ने ये हिदायत की कि इस फौरी तौर पे ये वेबसाइट जो है इसको देखा जाए क्या इस पर कोई नामजदगी फॉर्म पड़ा है, तो वो तमाम चीजें प्रोवाइड नहीं की जा सकी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अंदरूनी मामला करार दे रही थी, देखना होगा कि अदालत इसको अंदरूनी मामला तस्लीम करती है नहीं, लेकिन अदालत के जो सवालात थे और इतनी तवील समाअत हुई ये बता रही है कि ये हसास नौइयत का ये एक बड़ा अहम नौइयत का जो मामला है इसमें अदालत एक बड़ी नजीर जो है वो तय करने जा रही है। फिर जो अरकीन आज पेश हुए रोस्टम पे वो अरकीन उन्होंने आके अपने बयानात रिकॉर्ड कराए वो बहुत अहमियत के हामिल हैं जिसमें अकबर एस बाबर और जो दीगर जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि इनको निकाल दिया गया था पार्टी से लेकिन कोई सबूत जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका कि इनको पार्टी से निकाल दिया गया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या इन्होंने इस्तीफा दे दिया या इन्होंने कोई और जमात ज्वाइन कर ली। तो इसके अलावा जो इंतखाबी निशान के हवाले से जहां अभी वक्त भी खत्म हो गया है इंतखाबी निशान अलॉट करने के हवाले से
है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस भी कर दिया है। वहीं पे बल्लेबाज का जो इंतकाबी निशान है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना एक फैसला जो है वो अलग से सुना दिया कि जिसमें ये कहा गया है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखकर एफिडेविट जमा कराया है रिटर्निंग अफसर को, उनसे किसी दूसरी जमात का जो निशान है वो उसका टिकट जो है वो ना कबूल किया जाए। तो ये अगले चंद मिनट जो है ये पाकिस्तानी सियासत के बड़ी हंगामा खेजी के इसमें जो पाकिस्तानी सियासत आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस केस का, ये अगले कुछ देर में चंद मिनट्स में लगता है तय हो जाएगा। और ये अदालती फैसला जिसका एक इम्पैक्ट कानूनी और आईनी तौर पे होगा, पाकिस्तान के सियासत पर होगा, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के मुस्तकबिल के हवाले से होगा, क्योंकि बल्ले का निशान अगर सर्वाइव करता है, अगरचे इसका वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अगर बल्ले का निशान सर्वाइव कर जाता है तो उस सूरत में अदालत कोई हिदायत दे सकती है कि वक्त खत्म होने के बावजूद ये मार्जिन निकल सकता है। लेकिन ये फैसला जो है आने वाले वक्त में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके लिए एक बड़ी अदालती नजीर बनेगी। इसमें तय होगा क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबी जो जो सियासी जमातें हैं इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं उनकी स्क्रूटनी कर सकता है नहीं, छानबीन कर सकता है या नहीं, उसके पास इख्तियार है या नहीं। बड़ा अहम रिमार्क दिए गए अदालत की जानिब से कि इस तरह तो 2 लाख रुपए मैक्सिमम फाइन है, वो 2 लाख रुपए फाइन अदा कर करते जाएं और इलेक्शन ही ना कराएं। तो बहुत से ऐसे सवालात और ऐसे रिमार्क थे जो बता रहे थे कि जो आईनी और कानूनी कंसर्न इस हवाले से जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जो सामने आए हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका खमियाजा भुगतना पड़ भी सकता है। और जिस तरह के जज साहिबान की जानिब से रिमार्क्स आए कि आपने आप खुद लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं लेकिन आप अपनी पार्टी के लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दे सके, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मामला जो 2021 में कंक्लूड हो जाना चाहिए था कानूनी तौर पर उसको ड्रैग करते हुए खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 तक ले आई और एक ऐसे वक्त में फैसला होने जा रहा है कि जब अब से चंद मिनट्स पहले इंतखाबी निशान जमा कराने की जो डेडलाइन है वो खत्म हो चुकी है और उस पर ये फैसला आने जा रहा है कि बल्ले का मुस्तकबिल क्या होगा। जब इंतखाबी निशान बैलेट पेपर से आउट हो जाता है तो वो सियासी जमात टेक्निकली जो है वो आउट हो जाती है, इंतखाबी अमल से बाहर हो जाती है। और अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका प्लान बी बना रखा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इस बात का अंदाजा था, जो क्वेश्चन थे बड़े क्रिटिकल लेकिन बड़े आम सवाल थे जज साहबान की जानेब से जो किए जा रहे थे, शायद यही वो खौफ था पीटीआई के जेन में कि जिस तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं फैसला कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में बल्लेबाज के इंतखाबी निशान के हवाले से जो पार्टी टिकट्स हैं उनकी तकसीम जो है वो शुरू कर दी गई, लेकिन रिटर्निंग अफसरान ने वो जो इतलात आ रही हैं इलेक्शन कमीशन के का हुक्म भी चूंकि इस पे आ चुका तो इतलात जो आ रही हैं मुख्तलिफ मुल्क के रिटर्निंग अफसरान के दफातर से कि वो वसूल उन्होंने नहीं की, लेकिन कुछ जो अरकान है पीटीआई के उनसे बल्ले का जो इंतखाबी जो बल्लेबाज का इंतखाबी निशान है उसके पार्टी टिकट मौसूल होने की भी इतलात हैं और उनकी रिसीविंग भी दी गई है। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से फैसला आ चुका है और इसको इलेक्शन कमीशन ने धोखा करार दिया है और ये कहा है कि कानून के तहत एक सियासी जमात का जो रुकन है वो दूसरी सियासी जमात का टिकट जो है वो नहीं ले सकता और एक ही टाइम पे इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि दो सियासी जमातों की मेंबरशिप नहीं रखी जा सकती, तो ऐसे में उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद करने का हुक्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे चुका है। तो अब सिर्फ बल्ले का इंतखाबी निशान अगर रिवाइव होता है तो उसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबात 2024 जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसमें सियासी तौर पर उसका जो एक सर्वाइवल है सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है अगर ये 3 रुकनी बेंच बहाल कर देता है बल्ले का निशान। लेकिन इस हवाले से जो सवालात सामने आए दिन भर जो प्रोसीडिंग चलती रही हमने इसको कवर किया और उन सवालात के जवाबात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की जो तैयारी नजर आई उसके बाद अब अगले चंद मिनट्स में बजाय ऐसा लगता है इसमें कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक तो कल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बैलेट पेपर की प्रिंटिंग है उसका आगाज करवाना है और इस तरह के जो केसेस होते हैं आमतौर पे उसमें ये कहा जाता है कि फैसला जो है वो कल या परसों या कुछ दिन बाद सुनाया जाएगा, लेकिन इसकी वक्त की नोयत ऐसी है। बहुत शुक्रिया आपका।